तो नॉक नॉक मूवी की शुरुआत में हम एविन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी वाइफ कैरेन और दो बच्चों के साथ कैलिफोर्निया में रहा करता था। कैरेन एक जानी मानी स्कल्पचर आर्टिस्ट थी और एविन एक आर्किटेक्ट था। इसके बाद हम कैरेन के असिस्टेंट लुई को देखते हैं जो उसके एग्जीबिशन के लिए कैटलॉग्स लेकर उसके घर पर आता है। फिर एविन दोनों बच्चों से उनका सामान रेडी करने को कहता है क्योंकि कैरेन उन दोनों को लेकर बीच जाने का प्लान कर रही थी। इसके बाद कैरेन लुई को एग्जीबिशन में रखे जाने वाले स्टैचू को दिखाती है जो अभी तक रेडी नहीं था, तो लुई उससे कहता है कि स्टैचू रेडी होते ही वो उसके घर से उसे उठा लेगा। फिर कैरेन और बच्चे बीच पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, तब वो एविन से कहती है कि विवियन एविन की फिजिकल थेरेपिस्ट कल आने वाली है। फिर दोनों बच्चे अपने फादर को उनके साथ ही चलने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन एविन उन्हें यह कहकर टाल देता है कि उसे कुछ बहुत ज़रूरी काम है और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। कट टू द नेक्स्ट सीन, हम एविन को देखते हैं जो कि गाने सुनते हुए अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। बाहर बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी, तो एविन को उसकी वाइफ कैरेन कॉल करके कहती है कि वो सब एविन को बहुत मिस कर रहे हैं और वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। कॉल काटने के बाद एविन दोबारा अपने काम को कंटिन्यू करता है और वो 3D प्रिंटर की मदद से कुछ डिज़ाइंस को प्रिंट कर रहा था। अचानक से उसे घर के दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज़ आती है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तब वहाँ पर दो लड़कियाँ खड़ी होती हैं जो किसी के घर का एड्रेस उससे पूछती हैं। फिर वो उन दोनों लड़कियों को अंदर आने देता है ताकि वो उसका कंप्यूटर यूज़ करके सही एड्रेस का पता लगा सकें। अब क्योंकि वो दोनों ही बारिश में काफ़ी ज़्यादा भीग चुकी थी, तो इसलिए एविन उनके लिए कुछ टॉवल लेकर आता है। फिर वो एविन को थैंक्स कहते हुए अपना नाम बताती हैं, बेल और जेनेसिस। फिर जेनेसिस कहती है कि उसने टैक्सी ड्राइवर को शायद गलत एड्रेस बता दिया है और अब वो दोनों उस जगह से बहुत दूर आ चुके हैं जहां उन्हें एक्चुअल में जाना था। पर एविन उनसे कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है और वो उनके लिए एक दूसरी टैक्सी बुक कर देता है जो कुछ ही देर में आने वाली थी। फिर वो दोनों लड़कियां एविन से उसका ड्रायर यूज़ करने के लिए पूछती हैं जिससे कि वो अपने कपड़ों को सुखा सकें। एविन उन्हें पहनने के लिए दो रोब देता है और उनके कपड़ों को ले जाकर ड्रायर में रख देता है। वो जेनेसिस के फ़ोन को राइस बाउल में ड्राई करने के लिए रख देता है और उनके लिए चाय भी बनाता है। फिर एविन को म्यूज़िक की आवाज़ आती है तो वो जाकर देखता है कि बेल और जेनेसिस उसके DJ सिस्टम पर म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं और उस पर डांस कर रही थी। बातों बातों में एविन उन्हें बताता है कि वो अपने 20s में एक DJ हुआ करता था और वो दोनों लड़कियां उसे कहती हैं कि वो इस एज में भी काफ़ी यंग लगता है। फिर एविन उन्हें अपनी वाइफ और बच्चों के बारे में बताता है जो कि एक वीकेंड ट्रिप पर गए होते हैं और उसे यहां घर बैठकर काम करना पड़ रहा है। दोनों लड़कियों को ये सुनकर बुरा लगता है तो वो एविन को हग करती हैं। जेनेसिस उसे अजीब तरह से टच करके कहती है कि इस उम्र में भी उसकी मसल्स बहुत अच्छी हैं। एविन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है और दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाता है। फिर वो दोनों उसकी वाइफ की फ़ोटो को देखकर कहती हैं कि वो बहुत लकी है क्योंकि उसको इतनी खूबसूरत वाइफ मिली है। फिर एविन उन्हें बताता है कि घर में रखी हुई सारी ही पेंटिंग्स और आर्टवर्क उसकी वाइफ कैरेन के डिज़ाइन किए हुए हैं और जेनेसिस कहती है कि इन सब को तो किसी एग्जीबिशन में होना चाहिए। वो लड़कियां फिर एविन से उसकी लव लाइफ के बारे में पूछती हैं, तब एविन थोड़ा नर्वस होकर जवाब देता है कि उससे आज तक किसी भी लड़की ने इतना ओपनली उसकी लव लाइफ के बारे में नहीं पूछा। तो बेल कहती है कि वो अब मच्योर लोगों की तरह बात कर रहा है और फिर सब हंसने लग जाते हैं। एविन फ़ोन चेक करके बताता है कि उनकी टैक्सी अभी 20 मिनट दूर है। फिर जेनेसिस एविन से पूछती है कि क्या वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ के साथ ही इंटीमेट हुआ है। तब एविन जवाब देता है कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो ऐसा ही होता है। फिर बेल उसे कहती है कि अगर फ्यूचर में कभी उसका हस्बैंड किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहेगा तो वो उसे मना नहीं करेगी। वो इस बात को ह्यूमन नेचर का बहाना देकर बोलती है। तब एविन भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। फिर एविन बात को चेंज करके उनसे उनकी जॉब्स के बारे में पूछता है, तो जेनेसिस कहती है कि वो दोनों फ्लाइट अटेंडेंट हैं और फिर एविन के साथ उसी तरह से रोल प्ले करने लग जाती हैं। एविन वहाँ से उठकर दूसरी जगह बैठ जाता है और वो लोग कुछ देर तक इसी तरह बातें करते हैं। अब जब टैक्सी के आने में केवल 5 मिनट बाकी थे तब जेनेसिस बहाने से एविन का वॉशरूम यूज़ करने चली जाती है। फिर एविन अपने म्यूजिक सिस्टम पर बेल का चूज़ किया हुआ रिकॉर्ड प्ले करने लगता है जिसे सुनकर बेल डांस करने लगती है। बेल उससे कहती है कि वो दोनों बहुत खुशकिस्मत हैं कि उनकी मुलाकात आज एविन से हुई और ये सब शायद उनकी किस्मत में ही लिखा था। इसके बाद वो एविन के साथ डांस करने के बहाने उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर टैक्सी पहुँच जाती है और बेल तब जेनेसिस को बुलाने के लिए वॉशरूम चली जाती है। एविन काफ़ी देर तक उनके कपड़े लिए उनका वेट कर रहा था, पर जब दोनों लड़कियाँ बाहर नहीं आती तो एविन उन्हें बुलाने के लिए वॉशरूम चला जाता है। उसे वॉशरूम के अंदर से उन दोनों के हंसने की आवाज़ आती है, तो जब वो अंदर जाकर देखता है तो वो दोनों लड़कियां वहां पर नेकेड खड़ी थी।
जेनेसिस कहती है कि ये एविन के लिए एक सरप्राइज है और फिर वो दोनों उसे फोर्स करने लगती हैं। एविन उन्हें रिजिस्ट करते हुए कहता है कि उनकी टैक्सी बाहर खड़ी है और वो लोग कपड़े पहनकर वहां से चली जाएं। फिर जेनेसिस एविन को किस करने लगती है। एविन उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब वो दोनों एविन को टच करने लगती हैं तब एविन हार मानकर उनके साथ इंटीमेट हो जाता है। बाहर खड़ा टैक्सी ड्राइवर भी कुछ देर तक वेट करता है और फिर वहां से चला जाता है। वो तीनों एक ही बेड में सो जाते हैं, पर जब सुबह एविन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो दोनों लड़कियां वहां पर नहीं हैं। फिर वो अपने कपड़े पहनकर उन्हें बाहर ढूंढने आ जाता है। वो दोनों लड़कियां किचन में दरअसल ब्रेकफास्ट बना रही थी और उन्होंने किचन के सारे सामान को इधर उधर कर दिया था। एविन को अभी भी रियलाइज नहीं होता कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है, तो वो उनको घर ड्रॉप करने के लिए उनका एड्रेस पूछने लगता है। फिर वो लड़कियां उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती, जिससे एविन को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और तभी एविन की वाइफ उसे कॉल करती है और वो फ़ोन लेकर बाहर चला जाता है। वो कैरन से बात ही कर रहा होता है कि वो दोनों लड़कियां वहां आकर उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगती हैं और उसे उल्टे सीधे इशारे करने लगती हैं। कॉल कटने के बाद एविन घर के अंदर वापस आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि वो दोनों अपने कपड़े पहने और अभी के अभी इस घर से निकल जाएं। उसके बाद जब वो उन्हें चेक करने के लिए उनके रूम में आया तो बेल वहां पर नहीं थी। दरअसल बेल एविन के रूम में उसकी शर्ट पहनकर बैठी हुई थी। फिर एविन उन दोनों से कहता है कि 5 मिनट के अंदर वो दोनों बाहर आ जाएं ताकि एविन उन्हें उनके घर तक ड्रॉप कर सके। फिर एविन बाहर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था तो वो दोनों लड़कियां कैरन के बनाए हुए स्कल्पचर्स पर अपनी ड्राइंग करके उसे ख़राब कर रही थी। ये सब देखकर एविन जेनेसिस और बेल दोनों को ही धक्का देकर वहां से हटा देता है। उन दोनों का ऐसा बिहेवियर देखकर एविन पुलिस को कॉल करता है, लेकिन जेनेसिस उससे कहती है कि वो दोनों अंडर एज हैं और वो पुलिस के सामने ये कहेंगी कि एविन ने उन दोनों के साथ ज़बरदस्ती की है, उनका रेप किया है। बेल उसे एविडेंस के तौर पर अपनी बॉडी पर लगे हुए मार्क्स दिखा देगी। फिर एविन सोचता है कि अगर बेल अंडर एज है और सिर्फ 15 साल की है तो वो फ्लाइट अटेंडेंट कैसे बन गई। तब वो ये बताती हैं कि उन्होंने एविन के सामने बस एक झूठी कहानी बनाई थी। उनसे तंग आकर एविन कहता है कि उन्हें कितने पैसे चाहिए और वो इस घर से जाने का क्या लेंगी। तब जेनेसिस कहती है कि एविन तुम बाकियों से अलग हो और तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर एविन जब उन्हें अपना वॉलेट दिखाता है तो बेल उससे चांटा मारकर ये कहती है कि वो दोनों प्रोस्टिट्यूट्स नहीं हैं। तब घर की डोरबेल बजती है तो एविन जाकर देखता है कि उसके घर पे कौन आया है। घर पर उसकी फिजिकल थेरेपिस्ट विवियन आई थी। तब एविन उसे वहां से किसी तरह भेजने की कोशिश करता है और कहता है कि वो अब बेटर फील कर रहा है और उसे फिलहाल थेरेपी की जरूरत नहीं है। वेल विवियन के वहां से जाने से पहले ही जेनेसिस वहां आ पहुंचती है और कहती है कि एविन को अब उसके मसाज की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि विवियन एविन की वाइफ कैरन की बहुत अच्छी दोस्त थी तो वो वहां से नाराज होकर चली जाती है। एविन कहता है कि वो जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है और फिर अंदर आकर देखता है कि वो दोनों उसके म्यूजिक सिस्टम का यूज कर रही थी। वो दोनों को पुश करता है और ज़बरदस्ती घर से बाहर निकालने लगता है, पर जेनेसिस उसे कंटिन्यूसली टॉन्ट करने लगती है ये कहकर कि वो अपनी वाइफ के साथ लॉयल नहीं है। तो वो जेनेसिस का गला दबाने लगता है और बेल उसके सर पर मारने के लिए एक वेस्ट उठा लेती है, पर तभी एविन उसे छोड़ देता है और दोबारा पुलिस को कॉल करने लगता है। तब जेनेसिस उसे कहती है कि वो वहां से जाने के लिए रेडी हैं और फिर एविन उन्हें अपनी कार में बिठाकर उनके घर तक छोड़ देता है। पर वो दोनों फिर वहां से अपने घर नहीं जाती और वहां से कहीं और चली जाती हैं। एविन घर वापस लौटकर सारा सामान ठीक करने लगता है। वो किचन, बाथरूम और बाकी सभी चीज़ों को भी क्लीन कर देता है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है और उसने उन दोनों लड़कियों से अपना पीछा छुड़ा लिया है। फिर रात में एविन अपना ऑफिस का काम कर रहा था जब अचानक से उसे ग्लास टूटने की आवाज़ आती है। वो वहां जाकर देखता है पर उसे कुछ नहीं मिलता, तो वो लिविंग रूम में आकर देखता है कि उसकी एक फैमिली फ़ोटो नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई है। जब वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है तो पीछे से जेनेसिस उसके सर पर ज़ोर से एक वेस मारती है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब एविन की आँख खुलती है तो वो खुद को एक बेड से बंधा हुआ पाता है। जेनेसिस भी वहां मौजूद थी और वो मेकअप कर रही थी। वो उससे कहता है कि वो एक अच्छा आदमी है, उससे बस एक गलती हो गई और वो उसे खोल दे और अकेला छोड़ दे। सडनली वहां पर बेल भी आ जाती है। बेल ने दरअसल एविन की बेटी के कपड़े पहने हुए थे, जिसे देखकर एविन बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस हो जाता है और वो बेल को गाली देकर कहता है कि वो पागल हो चुकी है। फिर बेल अपना अंडरवेयर निकाल के उसके मुंह पर फेंकती है और फिर उसके सामने डांस करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि हर लड़की का पहला प्यार उसका फादर ही होता है और एविन ने उसके साथ बहुत गलत किया है, तो वो उसे मारना शुरू कर देती है। बेल की बातों से एविन को ये पता लगता है कि उसके बचपन में उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ था जिसके बाद से वो ऐसी हो गई है। दूसरी तरफ जेनेसिस वहां मिरर पर लिखती है कि इट वॉज नॉट अ ड्रीम। फिर एविन के फ़ोन पर कैरन का वीडियो कॉल आता है तो वो दोनों उसकी पैंट की जिप खोल देती हैं और उसे धमकी देती हैं कि वो ये सब कैरन को दिखा देंगी, जिसके प्रेशर में आकर एविन उनकी सभी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाता है। बेल एविन के साथ दोबारा इंटीमेट होती है और जेनेसिस ये सब कुछ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है। जेनेसिस के वहां से चले जाने के बाद एविन किसी तरह अपने हाथों को खोलकर बेल को नीचे धक्का देता है
और जेनेसिस का पीछा करने लगता है। वो जेनेसिस को ढूंढकर उसका गला दबाने लगता है, तभी अचानक से जेनेसिस उसके शोल्डर में एक फोक घुसा देती है और एवन नीचे गिर जाता है। वो फोक को वहीं घुमाने लगती है तो दर्द की वजह से एवन दोबारा बेहोश होने लगता है। फिर वो उसे एक चेयर से बांध देती हैं और उसके साथ एक गेम खेलना शुरू कर देती है, एक ऐसा गेम जिसमें जेनेसिस उस गेम की होस्ट थी और बेल एक कंटेस्टेंट। एवन उन्हें क्रेजी लायर बुलाता है तो वो म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम इतना हाई कर देती हैं कि मानो एवन तो बस बहरा ही हो जाने वाला था। वो उसे एक तरह से टॉर्चर करना शुरू कर देती हैं। फिर जेनेसिस एवन से बार बार क्वेश्चन पूछती है और जब एवन जवाब देने से मना कर देता है तब वो वॉल्यूम को बहुत तेज करते हुए उसे टॉर्चर करती रहती हैं। अचानक से डोरबेल बजती है और हम देखते हैं कि लुई, जो कि कैरन का असिस्टेंट था, वो उसके घर से उस स्टैचू को एग्जीबिशन के लिए ले जाने आया था। फिर बेल एवन को एक कपड़े से ढक देती है और जेनेसिस जाकर दरवाज़ा खोलती है। वो लुई से कहती है कि एवन दरअसल उसका अंकल है और वो बस वहाँ पर एक म्यूजिक वीडियो शूट करने के लिए आई हैं। फिर जब लुईस उस स्टैचू से कपड़ा हटाता है तो वो देखता है कि उस पर कई सारी अजीब ड्राइंग्स बनी हैं और वो पूरा ख़राब हो चुका है। फिर वो उन लड़कियों से इस बारे में पूछता है तो वो कहती हैं कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। तब लुई को उन दोनों पर शक होता है और वो पुलिस को कॉल मिलाता है तो जेनेसिस उसके पास आती है और उसे टच करने लगती है तो एवन की आवाज़ सुनकर लुई उसके रूम की तरफ चला जाता है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है और फिर उन लड़कियों को रोकने चला जाता है जो कि उस स्टैचू को तोड़ रही थी। क्योंकि लुई एक अस्थमा पेशेंट था तो पैनिक के कारण उसकी सांस फूलने लगती है। उसे ढूंढने के बाद भी उसका इनहेलर नहीं मिलता क्योंकि जेनेसिस ने वो चुरा लिया था। फिर वो दोनों उस इनहेलर से खेलने लगती हैं और तभी लुई का पैर फिसलता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते वक्त उसका सर एक स्टैचू से जाकर लगता है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। ये सब देखकर एवन उनसे एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहता है पर वो दोनों उसको देखकर बस हंसती रहती हैं और कुछ नहीं करती। एवन कहता है कि तुमने लुई को मार दिया पर जेनेसिस कहती है कि हमने नहीं बल्कि उसकी वाइफ के एक बेकार से स्टैचू ने उसे मारा है। फिर वो लुई की बॉडी को पेपर से कवर कर देती हैं और उस पर कलर करके उसे एक वैन में डाल देती हैं। इसके बाद वो लुई के फ़ोन से एवन के फ़ोन पर एक मैसेज भेजती हैं जिससे कि लुई के खून का शक एवन पर चला जाए। इसके बाद वो दोबारा एवन के साथ वही गेम खेलने लगती हैं पर एवन उनसे बार बार यही कहता है कि वो एक बुरा आदमी नहीं है और ये सब करने से उसकी फैमिली को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर बेल उसकी एक फैमिली फ़ोटो पर स्पिट करते हुए कहती है कि एवन ने उस रात अपनी फैमिली को धोखा दिया है और वो एक लॉयल इंसान नहीं है। फिर एवन उनसे अपनी जान की भीख मांगता है और उन दोनों को ही ब्लेम करता है ये सब शुरू करने के लिए। तब जेनेसिस कहती है कि उसके पास बस अब सुबह तक का टाइम है क्योंकि सुबह वो लोग एवन को मार देंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि गार्डन में वो दोनों एवन के लिए एक ग्रेव खोदने लगती हैं। तब एवन किसी तरह अपनी वाइफ को कॉल मिलाता है पर इससे पहले कि कैरन उसका कॉल उठाती, जेनेसिस ये सब देख लेती है और उसके टैबलेट को उठाकर फेंक देती है। इसके बाद वो लोग अपने कपड़े चेंज करती हैं और घर में रखी सभी पेंटिंग्स और ड्राइंग्स को तहस नहस कर देती हैं उन पर वाहिया ड्राइंग्स बनाकर। वो एवन के सर पर कटोरा रखती हैं और उसके बाल भी काट देती हैं। जेनेसिस को वहाँ एवन की गन मिलती है तो वो एवन के साथ हाइड एंड सीक गेम खेलना चाहती है। जेनेसिस कहती है कि एवन के पास सिर्फ 30 सेकंड है कहीं पर भी छुपने के लिए और अगर वो उसे सुबह तक नहीं ढूंढ पाई तो वो उसे जिंदा छोड़ देंगी और उसके घर से चली जाएंगी। फिर जैसे ही वो गिनती शुरू करती है तब एवन भागकर किचन की तरफ चला जाता है और वहां से एक नाइफ उठा लेता है। फिर जब उसे लगता है कि वो दोनों लड़कियां उससे काफ़ी दूर हैं तो वो घर से भागने की एक नाकाम कोशिश करता है और एंड में पकड़ा जाता है। अगले दिन सुबह को वो दोनों एवन को उसके ग्रेव में इस तरह डालती हैं कि बस उसका सर ही ज़मीन से बाहर होता है और बाकी पूरी बॉडी ज़मीन के नीचे। फिर जेनेसिस उसके सामने एक शर्त रखती है कि अगर वो अपनी वाइफ को कॉल करके सब सच बता देगा तो वो उसे छोड़ देंगी और उसे जाने देंगी। एवन ऐसा करने के लिए मान जाता है पर जब जेनेसिस कैरन को कॉल मिलाती है तो एवन हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। फिर वो एवन को जान से मारने के लिए एक पत्थर उठा लेती हैं और उसकी तरफ फेंकती हैं। दरअसल वो पत्थर को उसके सर के साइड में फेंकती हैं। वो एवन को रोता हुआ देखकर उस पर हंसने लगती हैं। फिर बेल कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक गेम था और वो उसे जान से नहीं मारेंगी। वो जानती हैं कि सब मर्द एक जैसे ही होते हैं और वो बताती हैं कि वो अंडर एज नहीं है। फिर वो दोनों एवन की उस वीडियो को फेसबुक पर पोस्ट कर देती हैं जिसमें वो बेल के साथ इंटीमेट हुआ था। वो उसके फ़ोन को वहीं छोड़कर वहां से चली जाती हैं। एवन उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है पर उल्टा उसको लाइक कर बैठता है। नेक्स्ट सीन में जब एवन की फैमिली घर वापस आती है तो वो घर की हालत देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसका बेटा कहता है कि डैड ने शायद यहाँ पर पार्टी करी होगी। और इसी के साथ इस मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है।